ओडिशा उपकूल देई घसी होई जीव बात्या सात जिले में बर्षिब आउ पवन भी हेबो एमिति पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। वर्तमान सुधा मिलिथिबा सूचना अनुजाई बात्या ओडिशा को पसिबो नाही, जदि दिग परिवर्तन करे तेबे ही ओडिशा को पसि पारे, अन्यथा बात्या जाई पश्चिमबंग और सुंदरबन आउ बांग्लादेश मझिरे भूभाग स्पर्श करिबो। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्षेत्रटी 22 तारीख में अवपात्र रूप नेबो, 23 तारीख में यह गभीर अवपात्रे परिणत हेबो, 24 तारीख में बात्यारे परिणत हेबो बोली सूचना मिलिछि। संभाव्य बात्या प्रभाव में प्रभावित होबाकु थिबा सातोटी उपकूल जिला को चिट्ठी लिखि सतर्क कराइछंती एसआरसी। जिलागुड़िक हेला गंजाम, पुरी, खोर्धा, जगत सिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर। दीपावली छुट्टी बातिल करी 23 और 24 तारीख में जिला मुख्यालय उपस्थित रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। 22 रु मत्स्यजीवी मानंकु गभीर समुद्र को जिबाकु मना करा जाइछि। 22 तारीख सुधा समुद्र मध्यरु मत्स्यजीवी मानंकु उपकूल को फेरी आसिबाकु पाणिपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। संभाव्य बात्या संपर्क में जानिबा परे लोकंकु मध्य सतर्क कर दिया जाइछि। इसका प्रभाव में मेनली हमारा 24th का अर्ली आवर्स से ही रेनफॉल एक्टिविटी शुरू होने का चांसेस है। 24th में अर्ली वार्निंग से मॉर्निंग तक एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है, केन्द्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पूरी डिस्ट्रिक्ट में। 24th मॉर्निंग से 25th तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग हमारा है बालासोर, भद्रक, केन्द्रपाड़ा, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, और हैवी रेनफॉल का वार्निंग है मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और फिशरमैन को 22nd से डीप सी एरिया में जाने के लिए मना किया है और 23rd से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया है अलोगांडा, ओडिशा कोस्ट एंड डीप सी एरिया आल्सो। जातीय फसल बीमा सम्मेलन रे ओडिशा पुरस्कृत। केरल कोची ठारे अष्टम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार जातीय समीक्षा सम्मेलन अनुष्ठित होता। इस सम्मेलन में राज्य जमीजमा पोर्टाल को जातीय फसल बीमा पोर्टाल सफलतार सह संयोगीकरण निमन्ते ओडिशार राज्य सरकार को सम्मानित कर प्रयास द्वारा फसल बीमार नकली पंजीकरण को रोक जापारी। एक कार्यक्रम में सफल रूपायन निमन्ते जातीय सूचना विज्ञान केन्द्र अनन्य भूमिका रही। इस सम्मेलन में कृषि और खाद्य उत्पादन निर्देशक प्रेमचंद्र चौधरी जोगद एवं ओडिशा राज्य सरकार तरफ एही पुरस्कार ग्रहण करने फसल बीमा योजना को कृषक मानों निमंते अधिक हितकारी करने सहित सुचिंतित मतामत रखी। भविष्य में फसल बीमा योजना को अधिक लोकाभिमुखी और व्यापक करने निमंते प्रयास जारी रखा परामर्श देते। विजिलेंस हाथ में कनिष्ठ जंत्री 4 लाख टंकार बिल करैबा को ठिकादार ठारु 8000 टंका लांच नौथवा बेले धरा पड़िछंति विजय आनंद। लांच नेबा मामलें विजय आनंद को गिरफ करी पचराउचरा करुछि विजिलेंस टीम। ठिकादार बिल करी देबा को विजय आनंद को पाखुक आसीथिले, बिल करी देबा को कनिष्ठ जंत्री 8000 टंका लांच मागीथिले। ठिकादार मध्ये तांको कथारे राजी होइ जाइथिले। एही टंका विजय आनंद को घरे देबा को उभयंक मध्यरे मूलचाल होइथिला। परे एने ठिकादार विजिलेंस निकटरे अभियोग करथिले। अभियोग आधार रे योजना मुताबक आज ठिकादार कनिष्ठ जंत्री विजय आनंद बासभवन रे 8000 टंका लांच दौथबा बेले देवगड़ विजिलेंस विभाग कनिष्ठ जंत्री बासभवन रु लांच टंका जबत करबा सह तांकु गिरफ करथिले। गिरफ जंत्री विजय आनंद स्वास्थ्य परीक्षा परे आज संबलपुर स्थित विजिलेंस कोर्ट को चालना करा जिवो बोली विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। औषध दोकानी मालिक कर्मचारी को मारिदेक धमक। बालेश्वर जिला बालियापाड़ ब्लॉक अस्थि ग्राम पंचायत तो पारुलिया बाईपास छक निकट में मां मेडिकेयर औषध दोकानी को फोन जगे हाणिदेक मिली धमक। यहपर बालियापाड़ थाना अभियोग करछंती औषध दोकानी। सूचना अनुसार औषध अधिक दाम बिक्री होता नहीं ग्राहक संजय परिडा और दोकानी मालिकों कथा कटाकटी होता। गोटे इंजेक्शन और सीरीज्र दाम 85 टंका दोकानी 70 टंका नहीं किंतु संजय बाबू 40 टंकारे अन्य दोकानी को आनी बोली कही नाली आखि देखाइथिले। एहापरे संजय मालिक और कर्मचारी को पुणी फोन जोगे गाळीगुलज करबा सह मारिदेबा को धमक देइथिले। एही कथा को नहीं संजय परिडा नामरे थाना रे एक एतला देइछंती औषध दोकानी रो मालिक। मेडिसिन विषय कथा आगे प्रथम है दाम मेडिसिन तो नेली से विषय कहले कौन मेडिसिन से विषय जान लें भविर इंजेक्शन मो पाक नहीं 14 तारीख और 16 तारीख नहीं थे तार मूल्य 71 टाँचा 90 पैसा पाखापी थी 70 टाँग नहीं तो नवा फल सी अगर जगार का गत राति आनी कल रात आनी कौटू
तो 40 टंका आनी थिले दुईटा को आनी थिले बोली कहिथिले तो मु कहिबा दर कोनी जदी आनीछ तमे तो सेतु जाय नै नियो काम को आम जिनिस हम को फेरे दियो पैसा भी नै नियो तो सेतिरे से उत्क्षिप्त हुई मते दुनिया गाड़ी गुलज तू काई कि नबू तू माने दुनिया कौन कहिछन माने एकर तो धमके दिजन तो दुकान भांगी देबी तते मारी देबी हानी देबी काटी देबी तो काच भांगी देबी तते जळे देबी निया नगी देबी दुनिया को मालिक को भी सेमती सही बड़िया कथा कहिछन ताकू कॉल रे कथा करू थी मु कहीं भाई सांतर कथा हो जाओ तब कौन ये सब कथा है एतिक माने निवेदन करी जे आमर आईएससी वाल्यपाल निवेदन करी आम कमी सुरक्षित रू एवं आम समाज भी एमती सुरक्षित रू कह धमका धमकी हाणा हाणी काटा काटी ये सब विषय न डरी जे आमको धमक कार्यपाई कंधमाल जिला गोछापड़ा पुलिस जड़े गंजे बेपारी को गिरफ्त करी कारे भर्ती होता प्राय 54 किलो गंजे को जबत करी गिरफ अभियुक्त जनक बरगढ़ जिला बरगढ़ थाना खजूरी टिकरा गाँ प्रशांत साहू ओरफ आदित्य बोली जनापड़ी गोछापड़ा थाना कंक्रीटिया गाँ निकटस्थ माटीघाटी निकट में द्रुत गति से आसुवा एक कार्टी अटकई जांच करते कार्टी जांच कला समय से 54 किलो गंजे बाहरी यह घटना संक्रांत में गोछापड़ा थाना एक मामला रुजुरी समस्त गंजे जबत करने अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर थाना अधिकारी रंजित कुमार मुनि सूचना देखते गुणमणि जीवन में असरंति दुख स्वप्न अच्छी पाठ पढ़ी जड़े बड़ मणिषापी कितु पर परिस्थिति आगे सबू नरमी जा कलाहां जिला जयपटना ब्लक रेंगालपाली ग्रामर नाबालिका गुणमणि धंगड़ा माझी बयस 17 परिवार कहिले दुई भाई और जन्मरु अंध बधिर बापा मंगल सरकार देथिबा 4 डेसिमिल जगार बसवास करछंती गुणमणि परिवार हेले बर्षे हेबो गुणमणि माँ एसबू को छाड़ी निज बापा घर को चली जाइछंती तेबे माने बुढ़ी जेजेमा पार्वती भरोसा रहिथिबा बेले से कुली मजूरी तथा तार और पुओ मंगल भत्तार जीवन अतिवाहित करुथिले किंतु गत फेब्रुआरी मासरे पार्वती देहांत होता बेले तीन भाई भौणी को गाँवर संपर्कीय दादा गोपाल सहारा देछंती सरकारी सहायता कहिले केवल बापा मिलुथिबा भत्ता जीवन में पाठ पढ़ी जड़े बड़ मनीष होगा स्वप्नर प्रतबंधक साजिश परिस्थिति तेज सरकारी सहायता जगैदे पाठ पढ़वि बोली गुणमणि एने जयपटना ब्लक मंगल अधिकारी कौशल्या माझी को पचार से आवश्यक पदक्षेप ने बर्तमान तो मुझु खबर पाइली तदारक पर किसी पदक्षेप ने पढ़वा लगे चाहिए हाँ ठीक अच्छे आम तदारक पर तार व्यवस्था करूँ गुणमणि धंगड़ा माछी कौन समस्या रही है तुम घर सर आम है गोटे जंगल रहसुँ मोर बापा देखी नहीं पारन आोट बल शुणी भी नहीं पारन मोर माँ छाड़िकिना पल गले मोर जेजे सहारा आम रोलु सब गोटे जंगल तो मोर जेजे भी फेब्रुआरी मस खराब हो गले तो मो दादा उठे तो से आमके घर रहीकिना आम सहारा बंचीचु आ पढ़ापढ़ी टेन्थ तक थिला पढ़वार इच्छा थिला बट बापार लगे एखन पढ़े पढ़ा नहीं पारे ना दुख लगसे जे माने मो सांग माने कॉलेज जाएसन मुई जाइ नहीं पारे बोलिकिना बट बापा लगे घरे रहबाक पड़ुचे आ सरकार के तो अनुरोध करबी कि मते आकिचे किना किछ और सहाय्य करबे से माने किछे करे कि नहीं कले भी मते माने पढ़वार बहुत इच्छा अच्छे पढ़मी बोले भावुचे जे से माने करबे बोले मते पढ़वा लागि टिके सर गुणमणि धंगड़ा माझीर विषय कहला बेले तुम ते आखिर लुह गड़ी पड़च मुझ कह कहवा लगे भी मोर साहस ना ये तार बापा मंगल धंगड़ा माझी तो अंध बधिर विकलांग हेले तीन टा छुआ अच्छा गोटे 20 वर्षर नाती अच्छे राकेश धंगड़ा माझी आ 18 वर्षर झील गुणमणि धंगड़ा माझी आ 15 वर्षर पु अच्छे मुकेश धंगड़ा माझी हेले ए मन के मुई के 2001 रे तार आई पार्वती धंगड़ा माझी के इंद्रावास मिलला 2014 रे तार इंद्रावास रो बाट बंद हेला तार पटा पर्चा अच्छे और तहसील अधिकारी सार सब इनक्वारी करिचन हेले बाट खण मागी नहीं दी पारले थाना वाले आसले तहसीलदार साहेब आसले मात्र यही परी